जिसने भी हम पर ये लगाया है ना आरोप, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा अपन दे देंगे इंशाल्लाह। गुंजन को भगाने के एवज में एक बड़ी रकम, मोटी रकम ली गई। गुंजन को भगाने में मोटी रकम ली गई। इसके पहले भी काफी लोग आए, गद्दार थे, भगोड़े थे, पार्टी को बेचने वाले थे। आपने भी फॉर्म वापस ले लिया था, क्यों लिया था आपने फॉर्म वापस? बोला कि गुंजन भाई ने वापस ले लिया। अरे आदमी को जब टिकट मिला और बोला कि मैदान खाली, अब तो कैसे भी भाग जाऊंगा। अशरफ भाई गवाह है, अजीत साहब गवाह है, अयाज भाई भी हमारे साथ रही है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना साहब, वो आप फेसबुक पर डेटा लो, बचकाने टाइप के लोग, वो बच्चे लोग हैं। अयाज भैया, आपके ऊपर जब से चुनाव हुआ था तभी से आपके ऊपर जो है तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे कि गुंजन सेठ का जो है पर्चा वापस कराने में आपका और बरकत भाई का जो है, बरकती भाई का हाथ है उसमें। तो क्या लग रहे हैं आरोपों पे, आप क्या कहेंगे? देखिए, गुंजन जो था हमारे पार्टी का, उसकी बहु कॉर्पोरेटर थी, कोई पार्टी में नया आदमी नहीं आया था। और गुंजन वो गया, क्या वजह से भाग गया वो गुंजन जाने और वो जाने। हम लोग ने तो गुंजन को टिकट देने भी नहीं कहा। जब हैदराबाद में मैं खालिद भुट्टो को लेके अकबर वेदी साहब के बंगले पे गया था कि भाई अकबर साहब हमारे भिवंडी से खालिद गुड्डू MIM पे इलेक्शन लड़ना चाहते, और उस टाइम पे मैं पूरे थाना जिले की रिपोर्ट लेके गया था कि हर शहर से कौन कौन लड़ना चाहता है। तो मैंने अकबर साहब के हाथ में मुमरा के जितने हमारे 9 उम्मीदवार थे, मैंने 9 उम्मीदवार की पूरी लिस्ट दिया कि साहब ये हमारे पार्टी के मेम्बर लोग हैं और ये 9 के 9 उम्मीदवार MIM पे MLA इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और मैंने अकबर साहब के हाथ में एक ही अलग से फॉर्म दिया, साहब ये 9 उम्मीदवार है और एक दूसरा नईम खान है जो हमारे पार्टी से MIM का फॉर्म भर चुका है, लड़ना चाहता है। मेरी राय है कि नईम खान को आप टिकट दो, बाकी देना नहीं देना आपके हाथ में। बाकी पार्टी ने डिसीजन लिए, पार्टी ने टिकट दिया, वो भागा क्या, उसकी पहले से प्लानिंग थी, उसके दिल में क्या था वो जाने और पार्टी जाने। मैंने तो नहीं कहा था कि गुंजन को टिकट दो। नहीं, कुछ आरोप ऐसे लग रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि गुंजन को भगाने के एवज में एक बड़ी रकम, मोटी रकम ली गई, तो क्या वाकई में ये बात सच है? गुंजन को भगाने में मोटी रकम ली गई, छोटी रकम ली गई, हो सकता है ये लोग ही होंगे जो आरोप लगाते, ये लोग ही उनसे मिले होंगे। अभी जब इनको इतना मालूम है तो हो सकता है उन्हीं लोगों ने गुंजन को भगाया होगा। आरोप लगाने में क्या है, आरोप तो कोई किसी पे भी लगाता है। आरोप है ना, तुम आरोप को तुम सिद्ध करके दिखाओ, कोई एक प्रूफ दिखाओ कि अयाज मौलवी ने भाई कोई शहर अध्यक्ष बनाने के लिए कोई शहर अध्यक्ष से कुछ मांगा, कहीं तो पूछेगा। अगर कोई चीज़ पे किसी पे आरोप लगाया जाता है तो आरोप के साथ प्रूफ भी रहना मांगता है कि भाई अयाज मौलवी ऐसा है तो इसने ये किया है, तो तुम प्रूफ बताओ कि अयाज मौलवी का क्या प्रूफ है। प्रूफ रहेगा तो अयाज मौलवी आज ही पार्टी का राजीनामा लेके चला जाएगा। तो कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने फॉर्म क्यों वापस लिया? नहीं, हम काय को पूछे। अभी हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब है, वर्किंग प्रेसिडेंट गफ्फार कादरी साहब है, हमारे असद साहब है, अभी उन्होंने कभी हमको ये नहीं कहा। वो तो मेरे इधर हर प्रोग्राम में आते, अगर मैं अगर ऐसा करता तो वो लोग तो मेरे इधर आते नहीं। मेरे को खुद MLA का टिकट दिया, मेरे स्टेट पे असद साहब आके भाषण दिए, अभी मेरी ऑफिस नहीं बनी तो हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील ओपनिंग करने आए, वारिस पठान आए, और अपने हैदराबाद के अहमद बलाला साहब आए, तो सब लोग तो आएगा, गफ्फार कादरी साहब भी आके गए, हर कोई आके गया। अगर ऐसा मेरे पे आरोप फिट रहता तो मेरे इधर कौन काय को आता। आमदार के चुनाव से पहले भी आप थाना अध्यक्ष थे, लेकिन कभी आपने ऐसा मुमरा में कुछ ऐसा लोगों को जोड़ने की कोशिश, क्यों आपकी बार बार मुखालिफत की जाती है? आपके ही पार्टी के लोग मुखालिफत करते हैं। देखो, यहाँ पे मुमरा के अंदर हमने देखा है कि कोई किसी को लीडर माननी चाहिए। अभी सैफ पठान तरीपार हो गए, अभी पता नहीं उनके ऊपर क्या आरोप लगा, उनको तरीपार किया गया। अभी इतने छोटे से गुनाह के अंदर तो तरीपार होना भी नहीं मांगते, मेरे अंदाज से तो ऐसा नहीं होना मांगते। बहुत ज़्यादा कोई मर्डर के रहते, हफ्ता वसूल नहीं रहती, कुछ ऐसा रहता, छोटे से केस के अंदर उनको तरीपार किया गया, तो ये भी एक सियासत है। अच्छा हाजी साहब, आपने भी फॉर्म वापस ले लिया था, क्यों लिया था आपने फॉर्म वापस उस समय? देखिए, मैंने फॉर्म भरा था चुनाव लड़ने के लिए, मैं पार्टी के अगेंस्ट में फॉर्म भरा था, मुझे जब टिकट नहीं मिला था। लेकिन जब मैं फॉर्म भर के आया और गुंजन भाई को जब टिकट मिला तो गुंजन भाई ने मुझे फ़ोन किया, बोले भाई साहब हम लोग एक गांव के हैं और एक जगह के रहने वाले हैं, हम दोनों अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हम भी हारते हैं, चुनाव आप भी हारते हैं, तो आप एक काम करिए कि आप फॉर्म वापस ले लीजिए और आप मेरे साथ कह करके चुनाव लड़ा जाए। तो होते करते अभी यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं, हजरत अली भाई, हजरत अली भाई हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। हजरत अली भाई पूरी रात मुझे फ़ोन करते रह गए, मैं फजर की नमाज में उनका फ़ोन रिसीव किया,
फजर की नमाज के बाद उनका फ़ोन रिसीव किया, मैं उनसे नीचे मिला और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम सब एक गांव के हैं और हम दोनों अगर लड़ते तो दोनों चुनाव हारते हैं और गुंजन भाई पार्टी के टिकट से हैं और आप इंफेंटेंटन हैं तो फ़र्क पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आप वोट काट लेंगे और चुनाव दोनों हार जाएंगे। मैं बोला फिर क्या होना चाहिए, तो बोले आप फार्म वापस ले लो। मैं बोला फार्म ऐसा मैं वापस नहीं लेने वाला हूँ, पहले गुंजन भाई को बुलाइए और जो है दो चार दस लोग जो जिम्मेदार हैं उनको बुलाइए। तो उस समय हमारे शहर के अध्यक्ष थे रऊफ लाला साहब, तो रऊफ लाला साहब हमारे घर पे आए और हैदराबाद के दो लोग आए, एक इमरान कुरैशी करके कोई है और एक रऊफ करके कोई है, वो दो लोग थे और सैयद जफर थे और रऊफ लाला थे, अज्जू भाई थे, यानी करीब करीब सब लोग 10-12 लोग मिलके आए। उन्होंने कहा कि हाजा आप फॉर्म वापस ले लो और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। बोला भाई हमारे एक फॉर्म की बात है, अगर हमारे इस फॉर्म की नुकसान हो रही है तो मैं फॉर्म बिल्कुल पेशक उठा लेता हूँ। ये जो 10 लोग आए थे वो किसकी तरफ से आए थे? गुंजन की तरफ से आए थे, एमआईएम की तरफ से आए थे जी। और मैंने फॉर्म वापस लिया और मैं जैसे ही फॉर्म वापस लिया, सुन लीजिए, एक 10 मिनट के बाद मैं गेट से निकल रहा था और गेट के अंदर गुंजन भाई एंट्री कर रहे थे। मैं फॉर्म वापस लेके जैसे मैं ऑफिस पर पहुंचा तैसे मुझे वहाँ से फोन आया कि गुंजन भाई ने भी वापस ले लिया। इसका मतलब आपके साथ भी खेल किया गया क्या? अब अल्लाह की मर्ज़ी थी, मेरे नसीब में नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ बाकी मेरे साथ कोई खेल नहीं कर सकता, जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा। बरकती भाई, आपके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं कि आपने भी जो है उस चुनाव में ऐसा साथ दिया था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी था और सिटिंग कॉरपोरेटर होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट वाले की जिम्मेदारी रहती है कि भैया उम्मीदवारी कैसे मांगना है, और जितने लोगों ने इच्छुक फॉर्म भरा था ये फॉर्म तो उठा के हमने सब हैदराबाद औरंगाबाद में दे दिए थे, वहाँ से हैदराबाद। भैया यहाँ पर MLA की टिकट इतनी आसान नहीं होती कि अमजद बरकती ने बोल दिया तो होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मुसलम एक चीज़ थी कि सिटिंग कॉरपोरेटर था, दूसरा वायदा था कि 2 एकड़ की स्कूल यहाँ पर बनाएंगे MIM के उत्तर शिव साइड में, बहुत ज़मीन है बुजुर्ग की, तो इस हिसाब से तो हमको तो टाइट करना पड़ी उस चीज़ को, लेकिन अभी अंदर से क्या है बाहर से क्या है ये मालूम नहीं पड़ता। और दूसरी बात है सर, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सभी को कि मजलिस में गद्दारी थोड़ी सी भी नहीं चलती, एक वक्त तो इंसान रहता है लेकिन उसकी छाटनी होती है और बहुत जल्दी अलग होता है। इसके पहले भी काफ़ी लोग आए, गद्दार थे, भगोड़े थे, पार्टी को बेचने वाले थे, साइड हो गए। अगर हम जरा से भी, हाँ मिस्टेक हुआ है, हम नहीं बोलते मिस्टेक हुआ है, लेकिन किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने आते मुरा में, हिमायत में किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। अगर बनते तो आज आप लोगों के सामने रूबेरू जवाब कैसा देते, आज इतनी बड़ी मीटिंग हैंडल कैसा करते, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमते, पोस्ट क्या है नहीं है पेपर वो अपने को मालूम नहीं, बस जमात के लिए हम बने हैं, मजलिस के लिए काम करना है रात और दिन। और साहब बदनामी भी उसी की होती है जो कोई काम करता है, बुराई भी उसी की। अगर मैं घर पर बैठा रहा हूँ कोई बुराई नहीं करेगा, हम काम कर रहे हैं बोल के हमारी बुराई। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना साहब, वो आप फेसबुक पर डेटा लो, बचकाने टाइप के लोग हैं, वो बच्चे लोग हैं। ये हमारे वरिष्ठ नेता हमारे असद साहब, हमारे इम्तियाज जलील साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब, हमारे गफ्फर कादिर साहब, हमारे वारिस पठान साहब, तो ये आपका बोलना मतलब है जो मुमरा की बॉडी है वो बचकानी है। मुमरा की बॉडी से आप मुझे बता दीजिए, जिसने भी हम पर ये लगाया है ना आरोप, वो बता देवे, वो आरोप को सिद्ध करके बता देवे, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा अपन दे देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह का एहसान है। दूसरी बात है कि सिद्ध कर देवे, वो कोर्ट में 10 साल केस चलता है, बराबर है ना, आप 10 साल चलाने की जरूरत नहीं, खाली एक मीटिंग कब हुई कहाँ हुई। गुंजन जो भागा है, गुंजन की रात में एक पहले जो मीटिंग हुई महीम कुंडले के घर में, कौन कौन था सबको पता है, मैं क्यों नाम लूँ। जब गुंजन को टिकट आया तो यहाँ के जिम्मेदारों की यहाँ पर ये थी क्या भैया उसके साथ भरने के लिए फॉर्म चले जाना, एक कार्यकर्ता जब नहीं था। अरे आदमी को जब टिकट मिला और बोला कि मैदान खाली, अब तो कैसे भी भाग जाऊंगा, कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो क्या करेंगे उसको। तो आगे भी ये आपके माध्यम से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आगे भी जब कोई आएगा तो संगठन ने ऐसा पकड़ के लेके जाना उसको, और लड़ने तक संगठन ने पकड़ के साथ में रहना, तब मुमरा में। यानी इस बात को पक्का माने कि MIM पार्टी में भी जो मुमरा में है इसमें मतभेद है, आपसी मतभेद जो रहा है? मतभेद कौन सी पार्टी में नहीं है, बड़े से बड़े रूलिंग पार्टी के अंदर मतभेद है, ये क्या है कि हम, लेकिन जाहिर नहीं होता ना, यहाँ तो साफ जाहिर हो। अरे साहब देखिए, अभी चार लोग में से नहीं किसी क्या बताया समझ में आया, अब पूरा झुंड है, पूरे झंड में से 2 लोगों ने क्या बोल दिया पता नहीं है, फड्डे किसी पार्टी में नहीं है ये मुझे बता दिए। क्या कांग्रेस में अभी जीशान का और भाई जगताप का लफड़ा नहीं हुआ? जीशान को ने युवा का अध्यक्ष है, MLA है, फिर भी उसके स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, ये भी तो फड्डा दिख रहा है ना साहब, कैसा है मालूम है? आग जब वहाँ लगती है समझे ना, आग जब वहाँ लगती है तो धुआं भी वहीं से उठता है,
दूसरी बात है कि ये समझे खाली एमआईएम में दिख रहा है मतभेद, एमआईएम में दिख रहा है मतभेद। साहब अभी अभी 10-12 साल हो गया है, आई है माशाल्लाह, इतना अच्छा परफॉर्म है हमारे 150-200 से ज़्यादा नगर से हो गए माशाल्लाह, 2 MLA 1 MP है और अलहमदिल्ला आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब मुखालिफत में ही तरक्की है, समझे ना। क्या पहले बोलते थे कि BJP का एजेंट, आज पूरा UP साथ दे रहा है, बिहार साथ दे रहा है, कर्नाटक का साथ दे रहा है, महाराष्ट्र साथ दे रहा है, आज नहीं बोल रहा। आज इतनी आवाम यहाँ पर बैठी, कोई सिद्ध करके बताया असद साहब पे क्या आरोप है, कोई सिद्ध कर पाएगा। जो आदमी सच्चा रहता है सच्चा ही रहता है। और हम भी मुमरे में अलहमदिल्ला खादिम मजलिस है, मजलिस के मस्तान है और मजलिस के लिए बने और मजलिस के लड़ेंगे। और यहाँ पर आने का मीटिंग करने का मकसद यही है कि जो धोखा हुआ, जो डाग लगा, तो डाग दिया मुमरा से धुलवाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस बात को करारा जवाब देंगे। और जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक एविडेंस लेके आ जाना, कभी भी एक एविडेंस कभी भी लेके आ जाना। 1,50,000 उनको 1,51,000 तो है, बात जितना अगर मुंह खोलेगा उतना भी दे देंगे। कोई प्रूफ करके बता दे बात के आयाज मोलिया अमजद दरकाती ने तो भी ये साजिश का हिस्सा है। मिस्टेक हुआ साहब, दो साल के बाद आप दाग धब्बे धोने के लिए आए, क्या वजह? दाग धब्बे नहीं साहब, पूरे प्रोग्राम में देखिए, जब साहब साल हो गया ना, नहीं साहब सुनिए ना, आपने मेरा कैमरा नहीं चलाया। सैफ पठान साहब की जब गिरफ्तारी का मामला हो गया, उनकी वालिदा का मामला हुआ, जब भी कोई कार्यक्रम लगा वहाँ पर अमजद बरकाती पे आरोप लगा था, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या कुछ लोगों को बुला के बात अपना सफाई दे सकते थे ना। एक बात बता देता हूँ सर मैं आपको, दो साल के सर मैं एक बात बता देता हूँ, माध्यम से आप ये बता रहे हो ना, बता देता हूँ सर। इतनी ही फिक्र से आपने अगर उस वक्त हमको पूछा होता ना तो बता दिए होते। दूसरी बात, सफाई वो देता है, मुमरा में हो ही नहीं तो क्या आपसे पूछे? तो मैं थाना जिले में हूँ साहब, आप मुमरा कब आते हैं? जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, आज जनरल सेक्रेटरी हूँ। दूसरी बात है सर, स्पोक पर्सन भी हूँ। दूसरी बात है सर, आप फिक्र थी ना मुमरा वालों को, समझ रहे कि नहीं? आपके माध्यम से हम उस टाइम भी बोलना चाहते थे, उस टाइम हमको किसी ने सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया, अलहमदिल्ला आगे भी जवाब देने की तैयारी है। मुसलसल जहाँ पर भी कुछ मीटिंग वगैरह रही, अशरफ भाई गवाह है, अजी साहब गवाह है, अयाज भाई भी हमारे साथ रही है, सैफ पठान साहब का तड़ीपार का मामला हो या दूसरे केसेस का मामला हो, मुसलसल CP ऑफिस के साथ पूरे जिले में अलहमदिल्ला मुमरा ही नहीं, हर जगह हम देखे, अगर चोर होते ना सब पीछे के रस्ते कट जाते।